हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अभी मैं गया था वार्डन सर के पास और मुझे लोकल आउटिंग का आउट पास मिल चुका। तो पास तो मैंने बनवा लिया, अब जाने की तैयारी शुरू करते हैं और अब चलते हैं। मन्नू कहाँ जा रहा है? मैं भाई लोकल आउटिंग जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? तो चलो अब यश को भी ले चलते हैं अपने रूम। ये मेरा रूममेट है, देख सकते हो आप, ये भी तैयारी बना रहा है। अब चलो इसे भी लेते चलते हैं। सरकारी अस्पताल जाते हैं। तो अभी हमको ऑटो मिल चुकी है, हम यश बैठ चुके हैं, यश मेरे सामने ही बैठा है। और ऑटो से बहुत दिन बाद हॉस्टल से हम लोग निकले हैं और ये बाहर निकलने की फीलिंग उसी तरह है जैसे एक कैदी जेल से निकलता है। एक महीने बाद हम लोग हॉस्टल से निकले हैं, वो भी सिर्फ 1.5 घंटे के लिए। आपको बता दूँ मुझे आउटिंग मिली कैसे। तो मुझे उंगली में ये आयरन रॉड लग गया था, तो इसके लिए मैं ATS का इंजेक्शन लगवाने के लिए बाहर आया हूँ। तो हम ऑटो से उतर चुके हैं और अब ढूंढ रहे हैं इस मार्केट में कोई अस्पताल मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई क्लिनिक मिल जाए। चलो थोड़ा पैदल ही चल लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। फाइनली हमने टीकाकरण करवा लिया है और बैंडेज भी लगवा लिया उंगली में अपने। मुझे लोकेलिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था इसलिए रूममेट को साथ लाया हूँ। पहली बार जब आया था तो मैं छूट गया था, सेटेलाइट चला गया था, सेटेलाइट से फिर नोटिस आया था। ऑटो वाले ने थोड़ा आगे उतार दिया इसलिए हमको जूस की दुकान दिख गई, यहाँ पीने चलाया। यहाँ और भी जूस मिलेंगे भाई, हवा तो ठंडी चल रही है, कोई कोई है पी लो खुद बना के। फाइनली मैं हॉस्टल पहुंच चुका हूं। ये है हमारे यूनिवर्सिटी का गेट, एनवर्टिस यूनिवर्सिटी। यहां देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, यहीं से एंट्री हमको मिलेगी अंदर की ओर। पहले आपको नज़ारा दिखाते हैं हमारे यूनिवर्सिटी का बाहर का नज़ारा, आप देख सकते हैं यहां पे। यहां सबसे अच्छा यहां बादलों का लुक आ रहा है, यहां पे देख सकते हैं बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमको। और यहां पे ऑटो वाला खड़ा है, यहां से किसी को जाना हो तो। रोड के उस साइड डे स्कॉलर्स की बाइक्स खड़ी हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।